उस फूल का नाम है जिसे मुस्तफा सुना करते थे। मेरे आका इमाम हसन और हुसैन को सुन रहे और फरमा रहे हैं मेरे सहाबा ये जन्नत के फूल है, ये मेरे दो फूल है, मैं इन्हें सूंघता हूँ मुझे जन्नत की खुशबू आती है। और लोगों आज हम यहाँ जमा होकर अपने अल्लाह को राजी कर रहे हैं। कुल कायनात नमाज क्यों पढ़ते हैं? बोले पड़ोसी को राजी करने, तो किसे राजी करने? अल्लाह रखा किसे राजी करने? अल्लाह को राजी करने। अल्लाह रखा मंडी वालों को राजी करने नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रखा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह को राजी करने। अब गौर करो, अल्लाह को राजी करना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की खातिर मुझसे मोहब्बत करो। मेरे आका फरमाते हैं हदीस में मौजूद, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की खातिर मुझसे मोहब्बत करो। या रसूलुल्लाह आपसे मोहब्बत करें अल्लाह की खातिर, और फरमाइए आका फरमाते हैं अब मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी खातिर। पता चल गया जो नबी का सच्चा आशिक है वो अहले बैत का गद्दार हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत और हुसैन की मोहब्बत मुस्तफा की। नारा ऐसा मत लगाओ, नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा हैदरी, नारा हैदरी, शमशीर अहले बैत। हम बस यही चाहते हैं कि नारा या तो लगे तो खुदा का लगे, या लगे तो मुस्तफा का लगे, या लगे तो अली का लगे, क्योंकि इन तीन नारों में इस्लाम की बुनियाद, ये तीन नारे इस्लाम की बुनियाद, ये नारा लगा दो पता चल जाएगा महफिल सुननी की है। ये नारा लगा दो, ये तीन नारे लगा लो, खबर मिल जाएगी मजमा अपना है पराया नहीं। और जिन्हें